वेलकम बैक टू माय चैनल आसास किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और प्याज के बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी पकौड़े। ये पकौड़े नॉर्मल पकौड़ों से थोड़ा अलग बनते हैं और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इसके लिए हमने ये दो आलू लिया है। आलू थोड़ा बड़े साइज का है, आपके पास जो आलू हो वो ले सकती हैं। तो सबसे पहले इन आलुओं को हम किस लेंगे, तो ये बड़े छेद वालों से किसेंगे ताकि हमारे लच्छे बढ़िया निकलें। ये पकौड़े खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, सभी को बहुत पसंद आएंगे। बारिश का मौसम है तो घर घर में, सभी के घर में पकौड़े बनते हैं और मेरे यहाँ भी बारिश हो रही है तो मैं सोच रही हूँ आज पकौड़े बना लेते हैं। तो ये सारे आलू, सारे क्या दो आलू हैं, दो आलू को हम कस लेते हैं बढ़िया से। और ये देखिए बढ़िया लच्छे निकल रहे हैं, ये देखिए। इनको अभी हम पानी में धुलेंगे, इनका स्टार्च निकाल देंगे सारा। तो सारे आलू कस लेते हैं इसी तरह से। ये देखिए मैंने दो बार पानी में धुल लिया, ये साफ़ हो गए हैं। थोड़ा बड़ा स्टार्च है तो निकलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इन सारे लच्छों को इस तरह से निचोड़ लेंगे पानी से। ये देखिए कितने बढ़िया, कितने अच्छे दिख रहे हैं। तो सारे लच्छे हम निकाल के निचोड़ के तैयार कर लेते हैं। तो ये सारे लच्छे मैंने निचोड़ के तैयार कर लिए हैं धुल के। तो अब इनको डालते हैं इस कटोरे में। इसमें डालते हैं ये प्याज। प्याज को भी मैंने पतला पतला काट लिया। तो ये देखिए प्याज और आलू के लच्छे मैंने डाल दिए। अब इसमें कुछ और चीज़ें जाएंगी। तो सबसे पहले ये देख लीजिए हरा धनिया जाएगा, हरा मिर्च, मैंने दो हरा मिर्च काट लिया है बारीक। आप हरा मिर्च अपने हिसाब से डालें। कुछ करी लिप्स लिए हैं मैंने, ये डाल देते हैं। अगर हो तो डालें, ना हो तो स्किप कर सकते हैं। एक इंच अदरक का टुकड़ा है, इसको मैंने किस लिया है, ये डाल देते हैं। और अब इसमें जाएंगे कुछ मसाले, हींग डाल देते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। बेसन है, थोड़ा हैवी होता है तो ये डाइजेस्ट करने में मदद करती है। थोड़ा सा आमचूर पाउडर है, ये डाल देते हैं। आप नहीं डालना चाहते नींबू का रस डाल लीजिए। थोड़ा सा लाल मिर्च डाल रहे हैं, आधा चम्मच जीरा डाल रहे हैं, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और अब इसमें जाएगा स्वादानुसार नमक। और अब इसमें डालेंगे बेसन। तो बेसन हम डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे, हमें जितनी ज़रूरत होगी उतना बेसन डालेंगे। तो अब इसे मिक्स कर देंगे, हाथों से मसलते हुए मिक्स करेंगे, क्योंकि जो आलू है प्याज है इनमें पानी होता है ना, तो इसका पानी रिलीज़ करेगा। तो ये इसी में हो सकता है, हमें पानी अलग से डालने की ज़रूरत ना पड़े, इसी में सारा चीज़ मिक्स हो जाएगा, बैटर हमारा बनके तैयार हो जाएगा। तो बेसन की क्वांटिटी अभी हमें कम लग रही है तो हम बेसन और डाल रहे हैं। तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, अगर पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर डालेंगे इसमें। ये मैंने मिक्स कर लिया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम हल्दी पाउडर डालते हैं कलर आने के लिए। और इसको फिर से मिक्स कर लेते हैं। तो थोड़ा सा हाथों में पानी लेंगे क्योंकि थोड़ा सा बैटर हमें गाढ़ा दिख रहा है, इसलिए देखिए हल्दी डालते ही कितना अच्छा कलर आ गया है इसका। वैसे पकौड़ों में हल्दी डालने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर नहीं डालना चाह रहे हैं तो मत डालिए, क्योंकि पकौड़े तल जाते हैं तो उनका कलर वैसे भी चेंज हो जाता है। तो
तो बैटर हमारा बन के तैयार हो गया पकौड़ों के लिए। अब हम पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। तो इधर तेल हमारा गरम हो गया है और इधर हम थोड़ा सा और इस तरह से मिक्स कर लेंगे। हाथों में पानी लगा लिया है, थोड़ा सा और पानी ले लेते हैं और अब हम पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। आप चपटे बना सकती हैं, गोल बना सकती हैं, जैसे आपको पसंद हो उस तरह से आप बना सकती हैं। तो हम देखिए किस तरह के बना रहे हैं, थोड़ा सा गोल गोल। तो इसी तरह हम जितने एक बार में आते हैं उतने डाल लेते हैं। इन्हें हमें बहुत तेज़ से नहीं बांधना है, इन्हें हमें हल्के हाथों से इस तरह से ऐसे करके बांधना है, हमें इनको दबाना नहीं है। अगर दबा देंगे तो ठोस हो जाएंगे पकौड़े, अच्छे नहीं लगेंगे। फिर तो मैंने ये सरसों का तेल डाला क्योंकि मुझे पकौड़े सरसों के तेल में अच्छे लगते हैं। पकौड़े या फिर हमें आलू की कचौड़ी मैं सरसों के तेल में बनाती हूँ। तो अब इनको सिकने देते हैं। तो ये देखिए मैंने उलट पुलट के इन्हें थोड़ा सेंक लिया है, लेकिन अभी ये अंदर से कच्चे हैं तो इन्हें हम और एक मिनट तक सेंक लेंगे ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाए। ये तो हो गए हमारे गोल गोल पकौड़े। अब हम बनाएंगे थोड़ा दूसरी तरह के। तो ये बैटर को हम थोड़ा सा गीला करते हैं, हल्का सा गीला कर लेंगे। ये हमारे थोड़ा अलग तरह के पकौड़े बन जाएंगे, देखने में दोनों अच्छे लगेंगे, टेस्ट वही आएगा, टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इसके पकौड़े में बनाएंगे तो इसके देखना सिक गए हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। थोड़ा सा इस तरह से कर देते हैं, एक्स्ट्रा तेल वापस कढ़ाई में चला जाएगा और इनको इधर निकाल। अब हम दूसरी डिजाइन के पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। तो इनको हम गोल गोल नहीं करेंगे, इनको सिर्फ हाथ में लेके इसी तरह से डालते जाएंगे, इस तरह से। इनका कोई डिज़ाइन नहीं देंगे हम, जैसे उठाया वैसे ही डाल दिया। ये थोड़ा सा क्रिस्पी ज़्यादा बनते हैं इस तरह से। तो जितने आ गए हैं उतने मैंने डाल दिए हैं, अब इनको भी सिक जाने देते हैं नीचे से। तो ये देखिए ये भी हमारे पकौड़े बढ़िया सिक के तैयार हो गए हैं और बहुत क्रिस्पी दिख रहे हैं। तो ये सारे निकाल लेते हैं। इसी तरह हम सारे पकोड़े बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये पकोड़े हमारे बन के तैयार हो चुके हैं, अब हम इनकी प्लेटिंग करते हैं। ये हमारे पकोड़े बन के तैयार हो गए और ये हमारा सॉस है। आप इन पकोड़ों को हरी चटनी के साथ खा सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं ये पकोड़े। और देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। जो ये पकोड़े ये हमारे बहुत क्रिस्पी बने हैं और जो ये मैंने पहले बनाए थे वो क्रिस्पी हैं, लेकिन ज़्यादा क्रिस्पी नहीं, ये अंदर से थोड़ा ठोस हो जाते हैं। तो जब भी पकौड़े बनाएं तो जिसको ये पसंद हो तो बनाए, वरना ये पकौड़े ज़्यादा अच्छे बनते हैं। ये पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में, बहुत ही टेस्टी बने हैं। अब आप भी बनाइए और खाइए और हमें बताइए हमारे पकौड़े कैसे बने हैं। तो पकौड़े अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल में नए हैं तो कमेंट करें एंड बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।